हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल डॉग केनल के चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे, जो कि एक डिसीज़ है जिसको पार्वो वायरस या कैनाइन पार्वो डिसीज़ के नाम से जानी जाती है। ये डिसीज़ फ्रेंड्स एक वायरस होता है जो एक डॉग से दूसरे डॉग के कॉन्टैक्ट में के थ्रू फैलते हैं। ये आपका कोई डॉगी है जो डॉगी इन्फेक्टेड है, उसके कॉन्टैक्ट में आपका हेल्दी पपी आता है, जिसकी वजह से ये वायरस फैलते हैं। ये छुआछूत की बीमारी एक तरह से कह लीजिए होती है, एक डॉग से स्टार्ट होती है और जितने जितने डॉग्स उन्हें कॉन्टैक्ट में आते हैं उनमें ये फैलती जाती है। ये डिसीज़ बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है, स्पेशली डॉग्स के लिए। एक बार डॉग्स होने के बाद उनको बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये डिसीज़ कई तरीक़ों से फैलती है। एक तरीका तो मैंने आपको बताया, कोई अनहेल्दी पपी है उसकी कॉन्टैक्ट में कोई हेल्दी पपी आता है उससे होता है। दूसरा आप ये कह सकते हैं, आप अगर अपने डॉग को बाहर पार्क या फिर किसी जगह पर घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, वहाँ पे किसी ऐसे डॉग की पॉटी है जिसमें ये वायरस है, जो डॉग इस डिसीज से इन्फेक्टेड है या इस वायरस से इन्फेक्टेड है, तो वो इन्फेक्शन या वो वायरस आपके हेल्दी पपी में लग सकता है। और अगला तरीका ये होता है फैलने का डिसीज़ के, कि अगर एनवायरनमेंट के कारण पानी के थ्रू, बर्तन के थ्रू, जो बर्तन में अगर कोई पपी है, इन्फेक्टेड पपी उठा रहा है, उसी बर्तन में अगर आपका हेल्दी पपी दिखाता है तो उसको भी ये बीमारी लग जाती है। और अलग तरीका ये होता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा शख्स है जो इस पार्वो वायरस इन्फेक्टेड डॉग के पास है, उसकी केयर टेकिंग कर रहा है और जस्ट सडनली वो एक हेल्दी पपी के कॉन्टैक्ट में जाता है, तो उसके थ्रू भी ये वायरस स्प्रेड होते हैं। क्योंकि ये वायरस इंसानों में बिल्कुल नहीं अटैक करते हैं, उनको किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इस वायरस से ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं होता है, पर ये डॉग्स टू डॉग ये वायरस फैलता जाता है। ये वायरस कैसे होता है? ये वायरस जितने भी आप गंदगी, अगर आपके डॉग्स किसी भी गंदे एरिया में या फिर उसको लगातार स्टूल पास हो रहा है, पतली पॉटी हो रही है जिसको जल्दी ही रोका नहीं गया, या फिर बहुत ज़्यादा वो कई डॉग्स के क्राउड में हैं, और या नहीं तो किसी ना किसी बीमार लगातार बीमार रह रहा है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, वो कमज़ोर है, उसके पास उसको ब्लड की कमी है, या फिर अलग अलग रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी डॉग्स में जनरली मोस्टली फैल जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं फ्रेंड? इसके सिम्टम्स होते हैं, यदि आपका डॉग कई दिन से खाना नहीं खा रहा है, बीमार है, उसको वॉमिटिंग हो रही है लगातार, उसको स्टूल पास हो रहा है और जनरली उसके स्टूल में ब्लड के अगर प्रोटीन्स आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स होते हैं पार्वो डिस्टेंपर, पार्वो वायरस के या कैनाइन पार्वो वायरस के ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको अपने डॉग में दिखाई दे रहे हैं तो जल्दी ही किसी भी अच्छे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करिए वो, और उसको लगातार ड्रिप थेरेपी देते जाइए, क्योंकि इस बीमारी में आपके डॉग के अंदर लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपका डॉग दिन प्रतिदिन वीक होता रहता है, कमज़ोर होता रहता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता ख़त्म होती रहती है, और धीरे धीरे अगर इसको परफेक्टली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो आपका डॉग डेथ भी कर सकता है, आपके डॉग की मृत्यु भी हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल कि इस वायरस से बचने के लिए हम क्या करें फ्रेंड्स? इस वायरस से बचने के लिए सबसे मोस्टली इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशंस, प्रॉपर वैक्सीनेशन लगेगा, और प्रॉपर वैक्सीनेशन अगर आपके डॉग का हो रहा है तो ये बीमारी से आप बच सकते हैं। इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रॉपर वैक्सीनेशन। डॉग को साफ जगह रखें, डॉग को साफ़ सुथरी जगह, नीट एंड क्लीन जगह पे रखें, जहाँ पे ज़्यादा डॉग ना हो। कोशिश करें, अवॉइड करें कि किसी भी बाहरी डॉग या स्ट्रीट डॉग के संपर्क में आपका पेट बिल्कुल ना जाने पाए। प्रॉपर केयर करिए, नहलाइए धुलाइए, साफ़ सुथरा रखिए, अच्छी जगह पे, साफ जगह पे रखिए, और डिवॉर्मिंग, पेट के कीड़े के द्वारा प्रॉपर टाइम टू टाइम करती जाइए, और प्रॉपर अगर कोई भी उसको या वोमिटिंग स्टार्ट हो रही है प्रॉपर उसको दवा दे दीजिए, अगर उसको स्टूल पास हो रहा है प्रॉपर उसको दवा दे दीजिए, क्योंकि अगर वोमिटिंग और स्टूल की प्रॉब्लम कंटिन्यूसली साथ में लगातार समय तक अगर बनी रही तो आपके डॉग के अंदर पार्वो या कैनाइन पार्वो वायरस आने के 90-80% चांसेस। आपका आशीष, यूनिवर्सल डॉग केनल गोरखपुर। नमस्कार।